जिसका उच्चारण या स्पष्टता से करें और साधना मैंने जिस तरह रात में समझाई उस तरह करें। इसके बाद जो लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं, जिनके कुंडली जागरण करने की तो इच्छा है लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उनको अपने पति संसार को देखना पड़ता है, फिर भी जप करने की इच्छा रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह भी मंत्र उतना ही श्रेष्ठ है जितना उस मंत्रों की, लेकिन मंत्रों की जप संख्या श्रेष्ठ है, उस मंत्र को भी बोल रहा हूँ। बोलो ओम क्लीम कुल कुंडलिनी फट, ओम क्लीम कुल कुंडलिनी फट, ओम क्लीम कुल कुंडलिनी फट। इस मंत्र का मैंने जिस तरह कल रात में आपको कुंडली जागरण के बारे में आपको विधान बताया, उसकी कुंडली जागरण होने के बाद वो लोग अपने गुरु के पास पहुंचे और शक्तिपात दीक्षा द्वारा अपनी कुंडली को जागृत करवा लें और उसे दीक्षा प्राप्त करें। अभी ये मंत्र मैंने आपको प्रदान किया है, ये कुंडली जागरण का मंत्र आपको इसलिए दिया है कि आपके जीवन में अब आने वाला जीवन आप भी लोगों को लोक कल्याण करने के लिए काम में आए। आप स्वयं ये अनुभव करें कि गुरु क्या है, देवता क्या है, गुरु और देवता में भेद है या नहीं है, मंत्र में भेद है या नहीं है, क्या मंत्र के भेद से हम कहां चूक रहे हैं कि आज तक हमें एक भी सिद्धि नहीं मिली, या आज तक हमने हमारे समस्याओं का समाधान प्राप्त नहीं किया साधनाओं के मार्ग से। ऐसी शंका अगर आप में है तो आप एक बार अपनी कुंडली जागृत करके तो देखें कि आप इस समस्याओं का समाधान आप स्वयं पाएंगे। ये मेरा अनुभव है और इसी अनुभव के माध्यम से मैं आपको यह कार्य बता रहा हूं। मैंने जैसा कल रात में आपको कहा कि आप सभी लोगों में बहुत सारी साधना सामग्री आपके घर में पड़ी हुई है, लेकिन आपके पास 100 या 50 साधना सामग्री पड़ी है तो केवल 10 या 5 आपने साधनाएं संपन्न की होगी, बाकी साधना सामग्री वैसी है। लेकिन मैंने कल रात में फिर एक बार कहा कि अगर इस कुंडलिनी जागरण उस सामग्री को उस तरह ना रखते हुए आप साधना संपन्न करके देखें ताकि उन सामग्रियों की विशेषता आपको पता चले, क्योंकि आने वाली पीढ़ी उस सामग्री का उपयोग कम से कम कर सके, क्योंकि यह सामग्री ऐसी वैसी नहीं है, आने वाली पीढ़ी को भी यह उपयोगी है, क्योंकि फिर अपने को यह विद्या बताने वाला या विद्या को देने वाला कोई रहे या ना रहे, कम से कम आप तो उस विद्या को चार लोगों को बांट सके, यही इच्छा रखते हुए यह सामग्री हो या यह विद्या हो जो गुरु जी ने मुझे प्रदान की या गुरु जी के द्वारा मुझे प्राप्त हुई, वो भी मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ, और उस प्रयास में आप भी भागीदार हो साधना करके, सामग्री रख के नहीं साधना करके आप मेरे में भागीदार हो, और साधना करते हुए सिद्धि प्राप्त हो या ना हो ये आपका कर्तव्य नहीं है। परीक्षा लिखना आपका काम है, पास या फेल करना ये गुरु का काम है, पास या फेल करना या उसे सिद्धि प्रदान करना वो दिखता है। आप बार बार ये मत सोचिए कि मैंने इतनी साधनाएं की, मैं पास हुआ या नहीं हुआ, मैं फेल हुआ, मुझे सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, ये आपका कर्तव्य नहीं है। गुरु जानता है कि आपको पास करना है, आपको पीएचडी करना है या आपको डॉक्टरेट देना है तो कब देना है, आपको पास करना है तो कब करना है, साधना करना आपका कर्तव्य है। आपका शरीर जब साधना के योग्य है तो आपके शरीर से आप साधनाएं करते जाएंगे तो वह आज का बीज कल वृक्ष होगा तो छायादार वृक्ष बनेगा, लोगों को आश्रय देगा तो फूल आएंगे तो फल आएंगे और वो फल फिर बीज उत्पन्न करेंगे और फिर महान वृक्ष हो जाएंगे। इसलिए बीज लगाते ही वृक्ष की बात ना करें, आप बीज लगाते हुए उसको सींचे, साधना मार्ग से सींचते हुए जाए वो वृक्ष जरूर बनेगा, आपका बीज यूं ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो बीज आपको उस एक सक्षम गुरु ने बोया है जो आजकल का संसार का सबसे बड़े 2000 साल के बाद पैदा हुआ एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व है, जिसने 18 साल अपने कड़े नंगे पांव समस्या और समाधान करते हुए अपने नंगे पांव हिमालय में घूम कर रेल अपने पांव को रोंद कर अपने शरीर को कष्ट देकर एक एक साधना संपन्न की और एक साधना उन्होंने लाकर आपके पास दी, स्वयं अनुभव करके उन्होंने वो साधना दी। ऐसे गुरु के आप सक्षम शिष्य है और उन्होंने आपसे ये साधना पाई है, इसलिए उनकी तपस्या खाली नहीं जाती, उनका एक एक बीज, उनका एक एक साधना का विषय, उनका एक एक मंत्र खाली नहीं जाता अगर आप मंत्र कर रहे हैं तो। मैं आपको यही बात समझा रहा था कि कुंडलिनी या साधना करते समय अगर गुरुजी यही बात सोचते कि क्या मुझे साधना सिद्ध होगी, क्या मुझे संपन्नता मिलेगी, क्या मैं साधना कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, अगर ये गुरुजी विचार करते तो आज भी हम इस साधना या इस विधान से वंचित रह जाते, हमारे को कोई बताने वाला नहीं होता। जब गुरु 97 की गुरु पूर्णिमा में मुझे याद है गुरुजी ने एक किस्सा सुनाया था, एक महाशय के पास गुरुजी विद्या सीखने गए जिनके पास बगलामुखी की श्रेष्ठ विद्या थी, जो अपने आंखों से लोहे को पिघला देते थे ऐसी विद्या उनके पास, गुरुजी उनके पास गए
और उनसे प्रार्थना की कि आपके पास ये साधना है, मुझे ये साधना आप दो। तो वो हंसते कर गुरु जी को टाल दिए, गुरु जी को घर में भी आने नहीं दिया, बाहर ही रखते, गुरु जी को उनके झोपड़ी के बाहर रखा। गुरु जी ठंड में छिड़कते रहे, गुरु जी को पता था कि उनके पास साधना है, लेकिन उन्होंने गुरु जी को साधना नहीं दी। गुरु जी उसी तरह उसके सामने भीड़ लगाकर बैठे रहे और कहा कि मुझे साधना चाहिए, क्योंकि गुरु जी को ज्ञात था वो एक सिद्ध पुरुष है, उसके पास ये साधना है। वो बैठे रहे, एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, सात दिन बीत गए, लेकिन वो साधु बाहर नहीं आता, ना गुरु से बात करता, और गुरु जी वैसे ही बैठे हुए उसके घर के सामने कि वो साधना उनसे प्राप्त करके जाएंगे। आठवें दिन जब वो बाहर आया तो बड़ा लट्ठा लेकर आया और गुरु जी को एक जोर से पीटा, चल भाग यहाँ से, साधना वेदना कुछ नहीं है। गुरु जी ने वो लटका मार भी खाया, लटका मार भी खाया, लेकिन वैसे अटे रहे, डटे रहे और कहा कि आपके पास साधना है, सिद्धि है, ये मैं बात जानता हूँ, और मैं अगर शिष्य हूँ, मैं अगर मेरे गुरु का सच्चा शिष्य हूँ और मैं लोक कल्याण के लिए साधना चाहता हूँ, तो मैं साधना या सिद्धि आपके पास से लेकर ही जाऊंगा। ये गुरु जी की बात। गुरु जी जिद्दी थे, गुरु जी केवल साधनाओं के लिए बाहर निकले थे। तब उस गुरु ने गुरु जी से कहा, उस सिद्ध पुरुष ने गुरु जी से कहा कि हे तेरी तो इस जिद को देखकर मैं तो बहुत हैरान रह गया हूँ, तू तो ये मंत्र मेरे से लेके ही जाएगा, मैं एक शर्त पर तुझे ये मंत्र दूंगा, ऐसा गुरु जी से उन्होंने कहा। तो गुरु जी ने कहा आपका जो भी शर्त है मैं मानने के लिए तैयार, मैं तुझे ये आज मंत्र दे रहा हूं, तू इसे कम से कम 30 साल तक किसी को ये मंत्र बताएगा नहीं, और 30 साल तक ये मंत्र बताएगा नहीं, और 30 साल के बाद मंत्र बताएगा, अभी तो ये मंत्र तेरे लिए उपयोग नहीं करेगा, जो तू दूसरों को देगा उसके लिए उपयोग होगा, तेरे लिए मंत्र उपयोगी नहीं होगा। तो गुरु जी ने शर्त को मान ली, पहले विद्या तो दे दो मुझे, गुरु जी ने कहा, पहले वो सिद्ध विद्या तो मुझे दे दो, मैं वो विद्या को सीखना चाहता हूँ। इसके ऊपर से आप गेस कर सकते हैं कि गुरु जी में साधनाओं के प्रति कितनी ललक थी, कि अपने लिए साधनाएं कभी नहीं मांगे, अपने लिए लटका मार नहीं उन्होंने सहा, अपने लिए 7 दिन उपवास करके उसके सामने बैठे नहीं, उनमें केवल यह थी कि मैं विद्या इस संसार को दूंगा। ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, 97 की गुरु पूर्णिमा का कैच आप पढ़ के देखें, उसमें गुरु जी ने यह बात कही जब वो मंत्र प्रदान कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं ये विद्या लोगों के लिए दे रहा हूँ, लोगों के लिए सह रहा हूँ, मैं विद्या तुम्हारे लिए दे रहा हूँ, और आज हैदराबाद की बड़ी पहली गुरु पूर्णिमा में 97 में 30 साल बीत गए, आज मैं ये मंत्र आपको दे रहा हूँ, और गुरु जी ने उस समय यह मंत्र का उपदेश किया। तो उस दिन से पता चला कि गुरु जी साधना के प्रति कितने लायक थे, कितने ललक था उनमें, और उन्होंने कहा कि यह मंत्र मैं उपयोग नहीं कर सकता, मैं आपको दे रहा हूँ, आपको सिद्धि होगी, मुझे नहीं होगी। उन्होंने दूसरों के लिए यह मंत्र लिया था। तब मैंने बाद में गुरु जी जब आए तो मैंने पूछा, गुरु जी 30 साल का समय क्या हुआ, 30 साल के बाद उन्होंने किस लिए देने के लिए कहा? तो गुरु जी ने कहा, तुझे मालूम नहीं वो 30 साल और जीने वाला था, अगर मैं पहले ही वो सिद्ध पुरुष का नाम बता के मैंने उससे ये सिद्धि ले ली तो लोग उसके पास भाग जाते, 30 साल के बाद वो शरीर छोड़ देगा, तब मैंने मंत्र देने के लिए कहा ताकि उसको लोग बात नहीं कर सके। कितने स्वार्थी थे मंत्र देने वाले, ऐसे लोगों से उन्होंने मंत्र सीख कर आपको मंत्र देने की प्रक्रिया की, तो उनमें क्या ललक थी, लोगों का कल्याण करने का साधना मार्ग का कितना किस प्रकार उनका एक अनुभव था, ये मैंने आपको उदाहरण के तौर पर बताया। ऐसे सक्षम गुरु के पास ने अपने हमारे मंत्र लिया है, बीज मंत्र लिया है, और हम अगर आज बीज मंत्र बोते हैं तो महान पुरुष होगा ही होगा, अगर हम सिंचेंगे तो। आज निखिल चेतना केंद्र हो या स्वामी निखिलेश्वर जी का नाम हो, सारा संसार आने वाली पीढ़ी लेगी, सारा ऋग्वेद लेगा, ऋग्वेद के देवता कहेंगे कि ये इसने जागृत रखी है इस पीढ़ी को, इस मंत्र के देवताओं को। आज किसी ने मंत्र देवता या साधना को या मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान को जागृत नहीं रखा, जिसे उन्होंने साइंस कहा। आज कोई ऐसा सिद्ध पुरुष नहीं है चैलेंज के साथ ये कह सके कि ये मंत्रों में ये शक्ति है और मैं ये करके बता सकता हूँ, जिस केवल गुरु जी ने ये बात कहा। और धड़ल्ले के साथ उन्होंने इस पत्रिका का नाम रखा मंत्र तंत्र विज्ञान। उनके बाद बहुत सारे लोग निकले इस बातों पर पुस्तकें छापने वाले, लेकिन गुरु जी के पहले किसका धैर्य नहीं था कि इस मंत्र पर, इस नाम पर मैगजीन छापे या इस मंत्र पर आगे बढ़े और कहे, क्योंकि उनमें तपस्या थी, उन्होंने उसका अनुभव किया था। 18 साल हिमालय पर चप्पे चप्पा 18 बारों मानसरोवर की परिक्रमा करे, कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा करके आए थे, और साधुओं को ढूंढते हुए उन्होंने मंत्रों को बाहर निकाला था। ऐसे परम पूजनीय सक्षम और सामर्थ्यवान गुरु के हम शिष्य हैं और उनके दिए हुए मंत्र हैं, तो बीज खाली नहीं जाते, आपके उस मंत्र किया हुआ साधना जरूर ब्रह्मांड में गूंजेगी, और ब्रह्मांड में गूंजेगी तो उसका ग्रह बनेगा तो सूर्य के साथ चमकेगा, वो ज्योति निकलेगी और वह सभी के लिए प्रकाशवान होगी, आपकी साधना कभी खाली नहीं जाती, ये मेरा विश्वास है, ये मेरे गुरु सक्षम है, तो आप ले जाए तो वो भी ज्योति के समान चमकेगी जरूर। ये बात अलग है कि हम साधना करते करते हमारे जीवन में बहुत सारी अड़चनें आती हैं, ऐसी अड़चनें कि जिसे हम बतला नहीं सकते, हमारे बहुत तरीके अड़चनें हैं, और ये अड़चनें ही हमारे लिए शत्रु है।
हमारे साधना नहीं करवाने देते, हमारे साधना को आगे नहीं बढ़ने देते, जिसमें पहला कारण अपनी भूख, दूसरा कारण अपनी नींद, तीसरा कारण अपने माँ बाप, चौथा कारण अपने बीवी बच्चे, पांचवा कारण अपना समाज, छठवा कारण अपनी नौकरी, सातवा कारण अपना अपनी आर्थिक व्यवस्था, आठवा कारण अपने रोग, नौवा कारण अपना ऋण, दसवा कारण अपने शत्रु, ये सब मिलके अपने को ऐसा निचोड़ते हैं कि अपने को साधना करने नहीं देते। ये सभी को आपको नहीं, उस संसार में चाहे हिरण्यकश्यप जैसा महान तपस्वी क्यों न हो, रावण जैसा तपस्वी क्यों न हो, चाहे वशिष्ठ जैसे महर्षि क्यों न हो, कोई भी ऐसा तपस्वी नहीं जिसने तपस्या की और भगवान इंद्र ने उनको उनको निचोड़ा नहीं, उनके ऊपर हवाएं बरसाए नहीं, ओले बरसाए नहीं, अग्नि का तपाया नहीं, ऐसा किसी को नहीं, चाहे स्वामी विवेकानंद जी हो या चाहे रामकृष्ण परमहंस, तो कल तक के कोई भी हो जिन्होंने अपने शरीर को तपाया नहीं, तपस्या से युक्त किया नहीं, वो लोग सिद्ध नहीं हुए। उनके भी जीवन में अड़चनें थी, उनके भी जीवन में ये सारी समस्याएं थी जो आपके जीवन में है, लेकिन वे इन सारी समस्याओं को अड़चनों को निकाल कर सिद्ध बने, आगे बढ़े। और जो इस मार्ग को निकाल कर आगे बढ़ता है वही श्रेष्ठ कहलाता है। संसार में कुंडली जागरण की प्रक्रिया के लिए अगर आप 5-10 मिनट में ध्यान लगाना चाहते हैं तो उस ध्यान में आपका चित्त आज बिगाड़ने वाला, और एक आपके पास एक बहुत बड़ी कर्ण पिशाचिनी विद्या आ गई है, आपके पास सभी लोगों के पास बहुत बड़ी कर्ण पिशाचिनी विद्या है। आप जानते हैं कर्ण पिशाचिनी विद्या क्या है? आपका मोबाइल फोन कर्ण के पास लगा देते हैं, बहुत बड़ी पिशाचिनी है वो, और जिसको लगा साधना करते समय पिशाचिनी चालू हो जाती है, टन बजे कान को लगा और खत्म हो गया पहली बात, तो पिशाचिनी कर्ण पिशाचिनी विद्या सिद्ध नहीं है, बात नहीं कह सकते। आप पैसों से खरीद रहे हैं इस विद्या को आजकल, और पहले साधना में अड़चन करने वाली पहली विद्या है ये। आप हम यहां से हमारी अड़चन शुरू हो जाती है, हमारी अड़चन फोन के साथ शुरू हो जाती है और फोन के साथ एंड हो जाती है आजकल, क्योंकि कलयुग में विज्ञान बहुत बढ़ के आगे चला गया है। मैं तो मोबाइल फोन को कर्ण पिशाचिनी नाम ही ठीक लगता है मुझे, और इसे देने से हमारे में यह हमारी जो अड़चने हैं वो बहुत अड़चने बढ़ती चली जा रही है। हम उसे बंद करके नहीं रखते, चालू करके भी नहीं रखते, और साधना नहीं कर सकते। हमें इस प्रकार हम हमारे अड़चनों के बारे में अड़चनों के साथ जो जी रहे हैं, ये हम नहीं, इस संसार में जितने भी साधक हुए, जितने भी सिद्ध पुरुष हैं, उन सभी के जीवन में ये रहा, उन सभी के जीवन में ये शत्रु है, लेकिन इन सभी शत्रुओं को जीत कर वे आगे बढ़ते हुए तपस्या युक्त हुए और महान हुए और महान से महान बनते चले गए। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि जितना भी कुंडली जागरण व्यक्तित्व हो, वो क्या कहता है, वो कभी भी कुंडली जागरण का व्यक्तित्व कहता है, मैं लड़ूंगा तो पर्वत से, मैं लड़ूंगा तो उस ग्रह से जो सबसे बड़ा श्रेष्ठ है, मैं लड़ूंगा तो उस आदमी से जो सबसे सर्वशक्तिमान, जिसकी कुंडली जागरण जागृत होती है, वह छोटे बच्चों के ऊपर अपना प्रहार नहीं करता, वह प्रहार करता है तो कैलाश पर, वैकुंठ पर, सूर्य पर, ऐसे लोगों पर प्रहार करता है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि मैं भी उससे कोई कम नहीं हूं, मैं भी उतनी ही शक्ति मेरे में रखता हूं, मैं परमाणु हूं तो परमाणु बम भी बन सकता हूं। और यह तो आप भी एक छोटे से छोटे हैं, हम कभी, मैंने एक बार बहुत बार आपको समझाया, खगोल शास्त्र में अगर हम सोचें कि हम हमारी स्थिति क्या है, तो हमारी स्थिति नगण्य के समान। हम इस ब्रह्मांड का एक बार एक ने चित्रीकरण किया था और उसने कहा था कि ब्रह्मांड में अगर सूर्य को हम सुई के बराबर का नोक, सुई के बराबर की नोक समझे ब्रह्मांड में सूर्य भगवान को, तो हम सूर्य भगवान में सवा भाग पृथ्वी है, और पृथ्वी में अगर 7 खंड है, अमेरिका और भारत रशिया ये सारे खंड है, उस खंड में भारत उपखंड है, भारत उपखंड में आंध्र प्रदेश एक राष्ट्र है, आंध्र प्रदेश राष्ट्र में हैदराबाद एक नगर है, हैदराबाद नगर में एक पुलिमावीर नाम का ग्राम है, पुलिमावीर नाम के ग्राम में निखिल चेतना केंद्र नाम का एक क्षेत्र है, निखिल चेतना क्षेत्र में ये साधक बैठे हुए हैं। सूर्य ही अगर सूर्य के नोक के बराबर है ब्रह्मांड में, तो आप कौन से नोक के बराबर है ये बताओ, आप कहाँ है ब्रह्मांड में, आपका अस्तित्व नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं कि ये सूर्य के नोक के बराबर का परमाणु जब एक होता है तो परमाणु बम बनता है, सूर्य को भी हिला देता है। तो ये बम बनने की प्रक्रिया गुरु जी सिखाते हैं कि मंत्र के मार्ग से, साधना के मार्ग से हम किस तरह बन सकते हैं, साधना के मार्ग से उस ब्रह्मांड में अपना स्थान किस तरह बना सकते हैं, किस तरह सप्तर्षियों का मंडल में हम जाकर रख सकते हैं, जिस तरह ध्रुव हुए, जिस तरह अरुंधति हुई, जिस तरह सप्तर्षि महामंडल हुए, जिस तरह कश्यप प्राप्ति के सूर्य हुए, जिस तरह पृथ्वी पुत्र मंगल हुए, ये सारे पुत्र ही कहलाते हैं, ये सारे उस ब्रह्मांड में जाकर टिके किस तरह, इन्होंने भी मानव जन्म लिया था, ये भी परमाणु थे लेकिन हुए महान बम, उस प्रकार ब्रह्मांड में जाकर उन्होंने स्थान बनाया। हम भी बन सकते हैं, तपस्या की आवश्यकता है, योग्य गुरु की आवश्यकता है, योग्य गुरु का मार्ग जानने की आवश्यकता है, अड़चनों को सहने की आवश्यकता है, शत्रु को हटाकर जीने की आवश्यकता है, इन शत्रुओं से पार आने की आवश्यकता है, और मैं
किसी शत्रु को हटाने के मार्ग के लिए नियम का नियम की कल बात बता रहा था। अब जब नियम नहीं हुआ और ये शत्रु अड़चन पैदा कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, ये शत्रुओं को किस तरह रोका जा सकता है जो हमारे मन में एक तो चंचल बनाते हैं, अपने माता पिता हैं उनको गाली नहीं दे सकते क्योंकि ऋग्वेद ही सारा वेद कहता है कि माता पिता की पूजा करो, और माता पिता कहते हैं कि बेटा मेरे पांव दबा दे, घर में बच्चे रो रहे हैं उसको कमा के पैसे ला के दे, माता पिता की वहां बात सुन के बैठे तो साधना नहीं होगी। गुरु जी कहते हैं साधना करो, माता पिता भी तो पूज्य ही है, गुरु जी भी पूजनीय है, कार्य कैसा चले। कहते हैं कि संसार भी चलाओ, पत्नी को भी अच्छी तरह देखो, पत्नी को गालियां न दो, पत्नी गालियां नहीं दी तो पत्नी बोली सिनेमा चलेंगे, पत्नी को सिनेमा नहीं दिलेगी तो गुरु जी साधना की बात बताते हैं, वो भी काम नहीं चला, ये भी काम नहीं चला तो होगा कैसा। इन सारी चीजों को करते हुए साधना करो तो किस तरह करो। बच्चे अपनी पढ़ाई कहते हैं कि मैं अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ, उसके लिए पैसे लाने चाहिए, पैसे लाने चाहिए तो मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए तो साधना नहीं बनती। तो इन सभी अड़चनों से बाहर आने की प्रक्रिया क्या है, ये सारे हमारे शत्रु है या हमारे मित्र है, आप निर्णय ले लें। साधना में ये आपके शत्रु है तो साधना करने के बाद ये आपके मित्र है। साधना करके आप सिद्ध होते हैं तो इनके सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन आपको साधना ही करने नहीं देते तो ये आपके शत्रु है, क्योंकि आप ना आप सिद्ध हुए ना उनका सुख भी, आपने उनको भी वो सुख दे सके, आप उनको भी वो सुख प्रदान कर सके। तो साधना के जीवन की एक विशेष प्रक्रिया है। और जब यह बात इसी तरह चली कि हम इस शत्रुओं को किस तरह रोका जाए, तो नारद महामुनि एक बार भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें कहा कि मैंने मृत्युलोक में देखा है प्रभु, सारे लोग ऐसे पीड़ित हैं, अपने अपने कोई जरा मरण, कोई मरण के किसी मरण से, बीमार से, शत्रुओं से, ऋणों से बहुत ग्रस्त है प्रभु, ऐसा कोई मार्ग बतलाइए कि इस संसार में इन सभी का उद्धार हो। तो भगवान विष्णु ने कहा ये सत्य सारे जीवन में सारे लोगों को पीड़ा है नारद, इसमें जो विशेषता से जिएगा, एक मार्ग से जिएगा, वही श्रेष्ठ कहलाएगा। तो नारद जी ने कहा आप प्रभु को भी आप बैठे बैठे शेष शैया पर सोए हुए हो, बात कर देते हो, या जनता की जाकर आप देखे सुने तो आपको पता चले, आप कभी अगर मानव होके पैदा होके पैदा होते तो आपको पता चलता कि क्या दुख भोग रहे हो, या फिर सागर में समुद्र शैया पर आप शेष शैया पर सोए हुए हैं, वहां लक्ष्मी पांव दबा रही है, आपको वहां क्या हो रहा है पता नहीं है, सभी लोग पीड़ित हैं, उनके बारे में उनकी पीड़ाओं का निराकरण हो, ऐसा किस तरह हो सकता है। भगवान विष्णु ने कहा नारद तो कहता है ठीक कहता है, फिर मुझे क्या करना होगा। नारद जी ने बोला नारद क्या होगा, आपको अगर जानना है तो आप मानव बन के पैदा हो जाओ, मानव बने तो आपको पता चलेगा कि संसार में क्या तकलीफ है, किस तरह मनुष्य अपने दुखों को बंटवारा करा रहा है, और वह कुंडली धारण नहीं कर सकता, वो ऊपर आ नहीं सकता, वो अगर पाताल में चला जा रहा है, ऊपर की ओर उठने का छोड़कर नीचे चला जा रहा है, अब इसके लिए आपको कुछ करना होगा। तो वहां बैठे बैठे भगवान विष्णु ने कहा जो आदमी मेरी सेवा करता है, जो मेरा निरंतर नाम लेता है, जो मेरे नाम का जप करता है, मैं उसका उद्धार करता हूँ, मैं ऐसा तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, ऐसा भगवान विष्णु ने कहा। भगवान विष्णु ने कहा तो नारद जी ने कहा ये तो बात सही है, मैं आपका नाम लेता हूँ, मेरा उद्धार हो गया, लेकिन उनको ये आपका नाम ले तो किस तरह ले, आपका नाम ले तो किस तरह जिए, ये बात कौन समझाएगा कि आपकी सेवा करें, आपकी पूजा करें, इसको किस तरह समझाया जाएगा। तो नारद जी ने कहा, भगवान विष्णु ने कहा तो ये बात आप ही क्यों नहीं करते, जाकर लोग संसार में बतला देते कि ऐसा करना है। नारद जी ने कहा ठीक है, मैं जाके समझाने की कोशिश करता हूँ। भगवान विष्णु ने कहा जाओ पृथ्वी पर जाकर बोलो कि भगवान नारायण का नाम लेने से आपका उद्धार होगा और आपको वैकुंठ की प्राप्ति होगी, ऐसा भगवान विष्णु ने वचन दिया। नारद जी आए लोक में, एक अच्छे महाराजा के घर में, एक सेठ साहब के घर में गए और बोले अरे मानो तू इतना रोगग्रस्त होकर यहाँ सब पड़ा हुआ है, तेरी पत्नी बीमार है, तेरे को सब इतना सब है, भगवान विष्णु ने कहा है कि उनका नाम रोज जपते जा तुझे वैकुंठ की प्राप्ति होगी। तो सेठ ने कहा वैकुंठ में क्या होता है, अरे वैकुंठ में क्या होता है, विष्णु भगवान होते हैं, सब सारी सुख सुविधाएं होती है, अरे भगवान विष्णु को कहो हम वहां आकर नहीं ले सकते, वो सुख सुविधाएं यही लो, हम नाम यहाँ लेते हैं, अगर वो देना चाहते हैं तो हमारी पृथ्वी पर भी प्रदान करें। अब नारद जी बड़े परेशानी में पड़ गए, भगवान विष्णु कहते हैं नाम दे तो वैकुंठ में सुख मिलता है, अब यहाँ आके सुख हो गए, मुझे यहाँ सुख देने की बात कर रहा है। वे फिर भगवान के पास भागे, बोले प्रभु वो सेठ के पास गया था, बहुत होशियार है, उसने क्या कहा, बोले वो वैकुंठ आने के लिए तैयार नहीं है, नाम तो जरूर लेगा लेकिन सुख यहीं चाहिए उसे पृथ्वी पर। बोले ऐसा काम नहीं हो सकता, सुख तो यहीं मिल सकेगा, वैकुंठ आने के बाद वहां सुख नहीं दे सकते। तो उसने कहा ऐसा नहीं, फिर अब दूसरी कोई बात तो बताओ। तो उसे कह देना कि तू नाम के साथ साथ सेवा का भी कार्य कर ले तो मैं सुख वहां भी प्रदान करूंगा।
तो आए वहां के नारद मामुनि बोले भगवान विष्णु से मैंने बात की तुम्हें यहां भी सुख मिल सकता है तुम भगवान नारायण का नाम भी लो और भगवान नारायण की सेवा भी करो। बोले भगवान नारायण की सेवा किस तरह की जाती है? भगवान नारायण की सेवा किस तरह की जाती है? प्रजा की सेवा करना, प्रजा को खाना खिलाना, उनके दुख सुखों में भाग लेना। अरे भाई मेरे घरे मेरी पत्नी दुखी पड़ी हुई है, उसको ठीक से नहीं देख सकता मैं, प्रजा को क्या देखूंगा? पहले मेरी पत्नी ठीक करवा दो, नारायण जी को बोलो, बाद में मैं आप उनका काम सुनूंगा, प्रजा सेवा करूंगा, मैं सेवा करने के लिए तैयार। नारद जी फिर भागे, बोले उसकी पत्नी बीमार है, वो नाम लेना चाहता है, उसकी पत्नी को ठीक करवा दो। तो उसने वो गया, जाकर भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान ने कहा ठीक है भाई, उसको पत्नी को ठीक करवा दो, पत्नी नाम स्मरण ले से सेवा करने से पत्नी ठीक हो गई। पत्नी जैसे ही ठीक हुई वो खाट से उठ के खड़े हो गई और उठते ही पति को बोली क्या कर रहे हो, कितने दिन हो गया मैं बीमार पड़ के खड़ी, यहाँ कितने दिन से तड़प रही हूँ, आज तक आप बाहर घूमते रहे, चलो हम तीर्थ यात्रा करके आएंगे, बाहर जाके आएंगे। नारद जी आया, अरे नाम ले ले, नहीं पत्नी कह रही है अच्छी हो गई, तीर्थ यात्रा करने की बात कर रही है, हम जरा तीर्थ यात्रा पे जाके आते हैं। अरे नारद ने कहा तूने तो कहा था पत्नी अच्छी होने के बाद भगवान का नाम लेगा, तो भगवान का नाम लेना क्या पहला तीर्थ यात्रा करके आते हैं? नहीं तो पत्नी अब कल तक बीमार थी, बाप बेचारी उसकी इतना इच्छा पूर्ण नहीं करे तो कैसा करें? तो भगवान नाथ ने कहा तू तीर्थ यात्रा के से आने के बाद तू करेगा ना, भगवान का नाम लेगा ना? जरूर लूंगा, क्यों नहीं लूंगा। तो तीर्थ यात्रा को चले गए, तीर्थ यात्रा करके जब तक आए माँ पत्नी थक के आई हुई थी और ये भी आए, भगवान नारद जी आए, बोले क्या चला भगवान का नाम शुरू कर दे? अरे ठहरो यार, अभी तो तीर्थ यात्रा से आए, अभी बच्ची की शादी का डेट निकल के आ गया है, बच्चा शादी के लिए तैयार है, उसकी शादी हो जाने दो, उसके बाद में हम माँ भगवान का नाम ले लेंगे। भगवान नारद बोले क्या स्वार्थी दुनिया है, मैं इसमें वैकुंठ की बात कर रहा हूँ, ये पहले बीवी, बाद में बच्चा, बाद में उसके पोता, इस तरह करते हुए भगवान नारद जी गए भगवान विष्णु के पास, बोले प्रभु वैकुंठ में आने के लिए कोई तैयार नहीं है, सब सुख वही चाहिए वो लोगों को, बोले इसीलिए वो लोग दुखी है, वो लोग कभी तो तुझे जाते नहीं, ना उनको वैकुंठ चाहिए ना देवता चाहिए, वो नाम इसलिए लेने के लिए तैयार है कि उनका सुख उन्हें वहीं चाहिए, वो नहीं चाहता कि उसके मरने के बाद उसे वैकुंठ चाहिए या कैलाश चाहिए और उसका कोई स्वर्ग नहीं चाहिए, स्वर्ग तो वो अपने पत्नी में और बच्चों में देखता है। ये बात जब दोनों में चली तो नारद भी दुखी हो गए, बोले मैं मृत्युलोक के बारे में सोचना बंद कर दूंगा, मृत्युलोक जाना ही बंद कर दूंगा, प्रभु आप जाने आपकी माया जाने, तब से नारद जी ने आना बंद कर दिया है, नहीं तो बीच बीच में आकर सत्यनारायण की कथा के लिए तो आया करते थे, आजकल वो भी नहीं आ रहे हैं। आपको सभी को पता है आज नारद नहीं आते और अपना दुख सुख देखने के लिए ना भगवान विष्णु को समझाते हैं ना अपने पास कोई कथा है, ये कि पुराने जमाने की कथा पड़ी हुई उसी पर हम काम चला रहे हैं सत्यनारायण जी की कथा। अब रही आगे बात, अब अपने को वो नहीं देखे तो कौन देखेगा, कौन देखना कि आज हमारे इस दुख दर्द को दूर करने के लिए कौन आना चाहिए? कोई भी मेरे जैसा गुरु आ गया, बैठा, दो बातें बोल लिया, अपना पेट भर लिया, चलते फिरते नजर आया, ऐसा अगर हो तो संसार में कब कुंडली जागरण होगी, कब हम इस सारी चीजों से आगे बढ़ेंगे और कुंडली जागरण की प्रक्रिया कब आगे बढ़ेगी? ये बात सुनते सुनते वहां सभी ऋषि एक दिन भगवान विष्णु से मिलने के लिए आए, तो वहां द्वारपाल पर जय विजय दोनों भी खड़े हुए थे, भगवान वैकुंठ के वास पे दोनों खड़े थे, तो जय विजय ने उन सप्त महर्षियों को नमस्कार किया और कहा हे सप्त महर्षि, आप आए हैं भगवान विष्णु के दर्शन के लिए, लेकिन भगवान विष्णु अपने शेषैया पर माँ लक्ष्मी से कुछ वार्तालाप कर रहे हैं, आप थोड़ी देर ठहर जाइए, मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, ऐसा जय विजय ने कहा। बोले क्या प्रश्न पूछता है? तो पृथ्वी लोग पर सभी लोग दुखी पीड़ित लोग हैं, वो लोगों का क्या उद्धार नहीं हो सकता? तो उन्होंने कहा सेवा के मार्ग से उद्धार हो सकता है, सेवा के मार्ग और भगवान का नाम लेने से जिस प्रकार हमने भी तपस्या करके इतने महान बन गए, हम इस चीज को कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा फिर ये मार्ग आप भगवान विष्णु से पूछकर पृथ्वी पर जाकर सभी लोगों को क्यों नहीं समझा देते? तो सप्तऋषियों ने कहा ये हमारा काम नहीं है, हम तो भगवान विष्णु का नाम लेकर हम हमारे बच्चों हमारे लोगों को देखते हैं, हमारे गोत्रजों को देखते हैं, उतना ही दूसरों के बारे में हमारे को पता नहीं है। तो देवी जी ने कहा सब लोग आप ऐसा ही कहेंगे तो भगवान विष्णु का कैसा, बात बात की ही बढ़ते चले गई और भगवान विष्णु अंदर ही रह गए, ये लोग बाहर रह गए। तो देवी जी ने कहा कि आपको आना अंदर जाना है, तो बोले भगवान विष्णु का बुलावा नहीं आया, आप अंदर नहीं जा सकते। तो सप्तऋषियों को गुस्सा आया, ये लोग यहीं बैठे बैठे हमारे को बातें बना रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि आप जिस सेवा के बारे में कहते हुए भगवान वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं, जिस श्रेष्ठता की बात करते हुए कहते हैं, हम तो रोज भगवान की विष्णु सेवा में बैठे हैं, जब आप हमारी बात नहीं सुनते तो भगवान की बात क्या सुनेंगे आप? हम भी भगवान की विष्णु सेवा में है, हम भी उतनी ही श्रेष्ठ है जितने आप हैं। तब सप्तऋषियों को लगा कि इनको गर्व हो गया इनकी सेवा का,
इनके सेवा का इनको गर्व हो गया है, हे जय विजय तुम्हारे गर्व को हम देख रहे हैं। और उन्होंने जब विष्णु भगवान की प्रार्थना की तो दरवाजा खुला। जैसे ही विष्णु भगवान के पास गए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे जय विजय जो द्वारपाल है उन्होंने हमारे ऐसा प्रश्न किया कि हम लोक कल्याण के बारे में, मृत्यु लोक में रहने वाले के लोक कल्याण के बारे में कुछ करें, और वही सेवा करते हुए उन्होंने ये सारी चीजें पाई है, ऐसा उन्होंने कहा है। भगवान विष्णु का ऐसा कहा है? हाँ ऐसा ही कहा है। उन्होंने जय विजय दोनों को बुलाया तो कहा सब तुम्हारे शिष्य तो जय विजय दोनों ने कहा भगवान विष्णु को, हाँ हमने कहा प्रभु यही लोग कहते हैं कि आपकी सेवा करने से मनुष्य महान बनता है, लोक कल्याणकारी बनता है, तो क्या हम आपकी सेवा नहीं करते? क्या हम महान नहीं है? हम इनके बराबर नहीं है? क्या हम इनके बातों से हम उच्च नहीं कहलाते? भगवान विष्णु को लगा कि सचमुच जय विजयों को गर्व आ गया है, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है बेटा, इन्होंने तपस्या की है, आपने सेवा की है, इनको तपस्या के साथ साथ इनके पास सेवा है, जबकि आपके पास सेवा ही है तपस्या नहीं है। तब जय विजय ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, जब आपकी सेवा करते हुए रोज हम आपका दर्शन लेते हैं और ये आपके देवल केवल दर्शन के लिए तरसते हैं, हम रोज आपका दर्शन लेने के बाद हम तो महान हुए इनसे भी, जो इनके आपके दर्शन के लिए तरसने वालों से भी जो रोज दर्शन लेने वाले वो महान नहीं होते क्या? ऐसा उन्होंने पूछा। भगवान विष्णु ने कहा इनकी बात यह भी सही है कि रोज दर्शन लेने भगवान का विष्णु का दर्शन रोज लेते हैं जो द्वारपाल है वो तो श्रेष्ठ कहलाए जाते हैं। उन्होंने सप्त महर्षि से कहा कि जय विजय बहुत श्रेष्ठ है। सप्त महर्षियों को धक्का लगा, उनने कहा हमारी तपस्या, आपका गुणगान करते हुए हमने इतने ग्रंथ ऋग्वेद आदि सारे वेद रचे, हे भगवान विष्णु सेवा करने वाले जय विजयों को अपने महान कहा और आपको हमने यूं ही कह दिया कि अपना इतना प्रचार करने के बाद भी, इतना आपका वेद का सब हम करने के बाद भी आपने हमें कम कहा, हम जय विजयों को श्राप देते हैं कि उनको बता दें कि वे भी हमारे वैसे दूर रह के हमारे वैसे तपस्वी होकर दर्शन के लिए तड़पे, ऐसा उनको भी हम श्राप देते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तब भगवान विष्णु ने जय विजय की तरफ देखा, जय विजय ने भगवान विष्णु की तरफ से देखकर कहा प्रभु हमने कुछ गलती कही हो तो हम क्षमा चाहते हैं, हमने क्या गलती कही? क्या आपकी सेवा का आपका दर्शन का फल क्या महानता प्रदान नहीं करता? भगवान विष्णु को उनकी बात भी सही लगी और सप्त महर्षि की बात सही लगी, तो उन्होंने कहा प्रभु हमको आपसे अलग होना नहीं, हम नहीं जाते आपसे दूर, यह जय विजयों की बात थी उनके प्रति। तो जय विजयों की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि उनका श्राप तो खाली नहीं जाता, हे सप्त महर्षि आप इसके बारे में कुछ न कुछ एक मार्ग तो लिखाओ, एक मार्ग तो बताओ। तो सप्त महर्षि ने कहा दो बातें हैं, ये या तो आपसे सप्त जन्मों तक दूर रहे और आपकी प्राप्ति के लिए तपस्या करें, या एक दूसरी बात है ये आपसे शत्रुता करें और तीन जन्म में वे फिर आपके पास आए, उनको जो भी इच्छा लगे वो काम करें। जय विजय भगवान विष्णु की तरफ ताकते हुए देखने लगे, प्रभु ये कैसा श्राप, आपसे शत्रुता हम स्वप्न में भी नहीं जानते कि आपसे हम शत्रु, आपके हम शत्रु बन सकते हैं, हम शत्रु बनकर तीन जन्म लेंगे या मित्र बनकर सप्त जन्म लेंगे, सप्त जन्मों का दूर हुआ विरह सहन नहीं कर सकेंगे, प्रभु हम आपसे दूर रहना नहीं चाहते। तो भगवान विष्णु ने झट से कहा तो शत्रु बन जाओ तीन जन्मों के लिए, शत्रु बन जाओ और आप तीन जन्मों के बाद मेरे पास आ जाओ। तो भगवान विष्णु की बात सुनकर जय विजय को क्या कहना क्या करना ये कुछ समझ में नहीं आया और उन्होंने बात से कहा कि प्रभु जैसी आपकी इच्छा, और वे पृथ्वी पर लौट आए तो पहला जन्म उनका हिरण्यकश्यप जन्म था, ये आप सब लोग जानते हैं। उसके बाद उनका जन्म जैसा भी हुआ आप जानते हैं, दूसरा जन्म भी रावण और कुंभकर्ण हुआ और तीसरा जन्म कौन से चाणूर आदि, तो इस प्रकार तीन जन्मों में वे भगवान विष्णु के विद्रोही हुए, दुश्मन हुए, शत्रु हुए और फिर भगवान विष्णु की प्राप्ति के लिए फिर जय विजय बनकर द्वारपाल बनकर गए। तब नारद महर्षि एक दिन इसी हिरण्यकश्यप और उनसे मिले और उनका पूर्व जन्म बतलाते हुए कहा जय विजय से कि आपने तीन जन्मों में शत्रुता भगवान विष्णु से साधी, आपने क्या क्या पाया? तो उन्होंने कहा कि हम इन तीन जन्मों में भगवान विष्णु से दूर रहकर शत्रुता करके हमने ये पाया कि हम भगवान विष्णु से संतुष्ट नहीं, हम भगवान विष्णु के बगैर संतुष्ट नहीं रह सकते, हमारे में चाहे कितनी वीरता हो, कितनी भी देयता हो, कितनी भी सिद्धता हो, भगवान विष्णु के बगैर हम सिद्ध नहीं कहलाते, क्योंकि वे हमारे संस्कार में नहीं थे, हमारे संस्कार में वो सब कुछ नहीं था जो भगवान विष्णु के पास प्राप्त था, और हम इसलिए शत्रु बनकर महान श्रेष्ठ तपस्वी वीर कहलाए लेकिन हम उतनी श्रेष्ठता हम प्राप्त नहीं कर सके, लेकिन हम हमारी शत्रुता के कारण लोक कल्याण के लिए भगवान विष्णु को पृथ्वी पर उतार सके, भगवान विष्णु ने हमारे लिए अवतार लिया और हमारी शत्रुता भगवान विष्णु को पृथ्वी पर उतारकर पृथ्वी का उद्धार करने के लिए कार्य बन सकी, और यह कार्य के लिए ही हमने प्रभु ने हमें शत्रुता प्रदान की।
इस कार्य को लेकर जब ये बात कर रहे थे तो इस संसार में कितनी लोगों की कुंडलियां जागृत करने के लिए, कितने ऋषियों को जागृत करने के लिए यह अवतार, यह शत्रु का अवतार हुआ था और भगवान को अवतार लेकर इन शत्रुओं को संहार करने के लिए अवतार लेना पड़ा, यह बात नारद महर्षि समझा रहे थे कि इसके पीछे भगवान की लीला क्या होती है। तो मैं ये बात आपको इसलिए समझा रहा था कि शत्रु दमन, एक श्रेष्ठ शत्रु होना भी एक बहुत बड़ा कार्य है, श्रेष्ठ शत्रु होना भी बहुत बड़ा कार्य है। हम श्रेष्ठ शत्रु भी नहीं बन सकते, न किसी के श्रेष्ठ मित्र भी बन सकते हैं। श्रेष्ठ शत्रु होता है तो भगवान को जरूर पृथ्वी पर लाने की क्षमता रखता है, और जब भगवान पृथ्वी पर आते हैं तो सारे जग का कल्याण करते हैं, वो एक देवताओं को पृथ्वी पर आने पर बाध्य करता है, और यह शत्रु आप में है। यह कृष्ण भगवान आप में है और शत्रु आप में है। इन दोनों को दमन करने के लिए आप कृष्ण को जागृत करेंगे तो शत्रु का दमन होगा, शत्रु का दमन होगा तो कुंडली जागरण होगी, और इसे ही सुषुम्ना इड़ा और पिंगला नाड़िया कहा है। सुषुम्ना इड़ा पिंगला नाड़िया, यह तीन प्रक्रिया है। सुषुम्ना बीच की नाड़ी है जो भगवान के पास अपने को पहुंचाती है, और इड़ा पिंगला वह देवता और राक्षस है जो हमें कभी भी चंचल बनाकर अपने साथ शत्रुत्व खेलते रहते हैं। एक इड़ा काम करती है, तुम्हें बहुत सुख प्रदान करती है, इतना सुख प्रदान करती है कि तुम्हारे में अहम आ जाए, तुम्हारे अहंकार आ जाए, मेरे पास सब कुछ है, मैं सबको जीत सकता हूँ, मेरे पास धैर्य है, मेरे पास शक्ति है, और अहम के कारण तुम अपने आप को नीचे गड्ढे में गिरा देते हो। और एक इड़ा नाड़ी है, तुम्हें इतना दरिद्र बना देती है कि तुम्हें शक्तिहीन बना देती है, तुम्हें कुछ नहीं कर देती, तुम्हें सेवा करवाने के भाग्य देती है, तुम सेवा करते हुए जीते हो, और तुम कहते हो कि मैं संसार में नगण्य हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब दोनों को समतौल्य करने वाली और दोनों को सीधे तरीके से चलाते हुए सुषुम्ना को जागृत करती है, वो भगवान कृष्ण है तुम्हारे जीवन में। और इस दोनों की प्रक्रिया को, इड़ा को किस तरह दबाया जाए, अहंकार को किस तरह दबाया जाए, ये जो तुम्हारे जो शत्रु है, तुम्हारे में सुख सौभाग्य आ गया तो भी तुम्हारा नाश है, और तुम्हारे दरिद्रता आ गई तो भी तुम्हारा नाश है। इन दोनों को समतौल्य लेकर चलने का विधान इसे सुषुम्ना कहते हैं, और इसे दोनों को लेकर चलने वाला ही भगवान कहलाता है, और भगवान की उत्पत्ति का कारण बनता है, भगवान को पृथ्वी पर लाने का कारण बनता है। आप हर राक्षस को देखो, कोई भी राक्षस हुआ उसने पहले मृत्यु को जीतने की प्रक्रिया की, और ऐसा कोई राक्षस आप नहीं देखते भगवान जिन्होंने भगवान के साथ लड़ा है, वो पूरा ऐश्वर्यवान पृथ्वी को जीता हुआ था, उसके पास सारी शक्तियां थी, सारा सैन्य था, सारा धन पैसा औरतें स्त्री सब सुख हुआ था, अहंकार था उसमें, उसकी पीड़ा पिंगला नाड़ी जागृत थी, और उस पिंगला नाड़ी के कारण ही भगवान को जन्म लेना पड़ा और उसका अंत करना पड़ा और लोक कल्याण के कारण जन्म लिया। तो इस प्रकार आप में ही शत्रु और आप में ही मित्र, और इन दोनों का समतौल्य ही जीवन तुम्हारे तुम्हें कृष्ण या भगवान बनाता है। और इस शत्रु दमन की प्रक्रिया जो तुम्हारे में शत्रु बनकर तुम्हारे पीड़ित करती है, या तो अहंकार के माध्यम से, या तो दरिद्रता के माध्यम से, या तो ऋण के माध्यम से, या तो रोग के माध्यम से, या तो अपने सगे संबंधियों के माध्यम से आपको पीड़ा पहुंचाती है, तो वो इड़ा नाड़ी है, और वह पिंगला नाड़ी है जो आपको अहंकार प्रदान करती है, आपको शक्तिवान प्रदान करती है, आपको धन धान्य सौभाग्य के अधिकार देती है, और अहंकार पैदा करती है, और इससे भी आपका नाश होता है। आप प्रभु राम में वशिष्ठ जिनके गुरु थे, उन्हें देखा तो उनके पास राज्य पाठ था, लेकिन राज्य उन्होंने छोड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अहंकार वाली बात नहीं की। भगवान हनुमान जी उतने श्रेष्ठ शक्तिवान थे, लेकिन उनको श्राप के कारण उनमें भी अहंकार नहीं था, उनको उनकी शक्ति को याद दिलाना था, ये इसीलिए वो महान बने। हमारे में भी यह प्रक्रियाएं, हनुमान जी हो, रामचंद्र जी हो, रामायण हो, यह हमारे भी शरीर में है, कृष्ण की भागवत भी हमारे शरीर में है, और इसको जागने के लिए, इसको जगाने के लिए हमारे में ये जो इड़ा नाड़ी है, जो दरिद्रता को लिए हुई है, उसका दमन करना है, यही हमारी शत्रु है। और जब इस इड़ा नाड़ी को तुम दबा कर रखते हो और सुषुम्ना नाड़ी को अपने बैलेंस में रखते हो, तो उस सुषुम्ना नाड़ी की जागृति ही तुम्हें संसार तक पहुंचा कर तुम्हें भगवान या देवता बना के और लोक कल्याण के कारण के लिए आगे ले जाते हैं। और ये जब कार्य हुआ तभी आप महान कहलाते हैं। आपने देखा होगा रावण चाहे कितना भी महान हो, रावण ने पूर्ण कैलाश को अपने सर पर उठा लिया था, शिव जी को अपने नाभि में अपने उनके आत्मलीन को ला सके थे, और राम के साथ युद्ध करवाने वाले थे, राम के साथ युद्ध थे, उन्होंने बहुत बार ये कहा, रावण ये बार बार कहता था कि राम मेरा शत्रु है, लेकिन राम को आपने कभी ये नहीं कहते सुना कि रावण मेरा शत्रु है, राम ने कभी नहीं कहा। राम ने कहा कि रावण तूने मेरी पत्नी को ले गया है, मेरी पत्नी को वापस दे दे,
बस मैं इतने से युद्ध नहीं करूंगा। उन्होंने तीन बार समझाया, हनुमान जी से, विभीषण से और अंगद से भी समझाया, लेकिन रावण अहंकार के कारण ये कहने लगा कि मैं नहीं, सीता को नहीं दूंगा। और ये कारण हुआ रामचंद्र जी ने रावण को मारा। मारने पर भी रावण स्मशान में गिरा हुआ था, तब भी राम कहते हैं कि रावण तू बहुत बड़ा कालज्ञानी है, तेरे साथ कालज्ञान जा रहा है मेरे, मैं लक्ष्मण को भेजता हूँ, तू उस कालज्ञान से प्रदान कर। और एक श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञ रहने के कारण रावण ने भी उस शत्रुता का ज्ञान न रखते हुए लक्ष्मण को वो कालज्ञान प्रदान किया, जिसे आप मुहूर्त ज्योतिष गुरु जी की पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं। वो बहुत बड़ा ज्ञान है, कभी समय आने पर मैं बताऊंगा। तो आपके जीवन में शत्रु दमन की प्रक्रिया, दमन का अर्थ होता है दबा देना, शत्रु को दबा देना। ये प्रक्रिया आपके जीवन में, जब तक तुम ये विद्या नहीं सीखोगे तब तक आपकी कुंडली जागरण नहीं होगी, और कुंडली जागरण जब तक नहीं होगी तब तक योगी नहीं कहलाएंगे, तब तक गुरु की प्राप्ति भी नहीं होगी। गुरु की प्राप्ति होने के लिए आपको इस शत्रुदमन प्रक्रिया करनी है। और आपके शत्रु आपके जीवन में, आपका रोग, आपका ऋण, आपकी बाधा, आपकी पत्नी, आपके पिता, आपका मोह, आपका आपकी आशा, ये सारी चीजें आपके पीछे जो लगी हुई है, यही शत्रु है और यही ईड़ा है, यही ईड़ा है। और आप जब गुरु से प्रार्थना करते हैं कि मुझे ऐश्वर्य चाहिए, मुझे धन चाहिए, शक्ति चाहिए, और गुरु तो कभी कृपा से तुम्हें ये विजय भी दे, लक्ष्मी देवता को बुलाकर तुम्हें वो दैव प्रदान करे, तो आप उसके अहम में आप इस ईड़ा को भूल जाते हैं और आप दरिद्रता को भूल जाते हैं और दरिद्रों को ठोकर मारकर बात करते हैं और आपको अहम बढ़ जाता है, और पिंगला के बढ़ जाने से वो अहंकार वो भी आपका नाश करता है। ये षट रिपु है, इसे ही षट शत्रु कहा गया है। इन शत्रुओं का नाश, इन शत्रुओं का दमन हमारी उन्नति के लिए बहुत ही जागृत और श्रेष्ठता कहलाया गया है। एक बार महर्षि अगस्त्य बैठे हुए थे, महर्षि अगस्त्य आज जहाँ रामेश्वरम है, भगवान रामचंद्र जी आए और भगवान रामचंद्र जी को पूछा गया अगस्त्य महर्षि ने कि किस लिए आए हो राम, तुम यहाँ तक, यहाँ इस रामेश्वरम, इस समुद्र के किनारे तक किस तरह आए हो। तो रामचंद्र जी ने कहा, प्रभु मैं क्या बतलाऊं, मेरी पत्नी सीता को रावण उठा ले गया है अकारण। किस लिए उठा ले गया वो मुझे पता नहीं, हम जंगल में बैठे हुए थे और सीता को उठा ले गया, आज देने की बात करता है तो नहीं कहता है, उसकी स्थिति क्या है ये भी मुझे पता नहीं, मैं मेरी सीता को प्राप्त करना चाहता हूँ, मेरी वजह से मेरी सीता को दुख हुआ, मैं उसको शादी करके सुख कुछ भी सुख नहीं दे सका, वो दुखी रावण के पास मैंने भेजा है, प्रभु हे अगस्त्य महर्षि मुझे कुछ मार्ग बताओ कि मैं मेरी सीता को पुनः ला सकूं। तो अगस्त्य कहते हैं कि हे राम, तेरे से तू तेजे एक बात बतला देता हूँ कि रावण इतना शक्तिशाली है कि राम तुझे जीत नहीं सकता, राम तो उसे जीत नहीं सकता, क्योंकि रावण के पास उसके सामने का कोई शत्रु टिका ही नहीं, कोई शत्रु उसके पास टिक ही नहीं सकता। तो राम ने कहा, फिर प्रभु कैसे, मैं कैसे मेरी सीता को ला सकता हूँ, ऐसा क्या राज है जो रावण इतना बड़ा श्रेष्ठ है कि उसके सामने शत्रु टिक नहीं सकता। तो अगस्त कहते हैं कि उसके पास भगवान का शिव का दिया हुआ वैरी मारण कवच है और वो उसका नित्य पाठ करता है, उसके पास एक चामुंडा नाम की देवी लंका में है और उसकी रोज आराधना करता है, वो वैरी मारण कवच पड़ता है, और जिसको उसने शत्रु समझा वो उसका शत्रु दर बदर भटकता है, अपनी पत्नी बीवियों को छोड़कर दरिद्रता के साथ वनवास अनुभव करता है, वो वैसा कवच उसका पाठ करता है। और हे राम, तूने आज के अनुभव किया है, तू देख ले तेरे जीवन में, तूने जब से राम